जो भी सभी वेलकम टू लो, मैं कृष्ण दत्त आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल और आपके अपनी क्लासेस फिजिक्स बाय कृष्ण दत्त कश्यप में। तो जो हमारी जो सीरीज चली हुई थी सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, उसमें हमारी यूनिट थर्ड चली हुई थी भैया, और इसमें हमारा लेक्चर 15 चला हुआ है, ठीक है भैया। और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो रेडियो एक्टिविटी चल रहा है, और रेडियो एक्टिविटी का एक लेक्चर मैं आपको पहले करा चुका आ चुका हूँ भैया। तो आज सेकंड लेक्चर पे बात करेंगे, रेडियो एक्टिविटी के सेकंड लेक्चर पे। एक बार सभी जुड़ जाओ और जल्दी से बताओ मेरी ऑडियो वीडियो विजिबल एकदम बढ़िया है, कोई दिक्कत समस्या तो ना है। एक बार सभी थम कर दो, सभी एकदम ओके है, क्लियर है। तो और आज इसकी सेकंड पार्ट को यूज करके आगे चलेंगे, और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ आपके अल्फा बीटा गामा की प्रॉपर्टी पूछी जाती है। सभी को जय श्री राधे कृष्ण और सभी को गुड इवनिंग, ठीक है भाई। और सभी आप अच्छे तरीके से, आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को आगे जारी करे हुए होंगे, ठीक है। जैसे कि आपके जो मेन पेपर हैं वे लगभग अप्रैल में जाकर हैं, इससे पहले आप अच्छे तरीके से अपनी ये जितनी भी मैं आपको सारी चीज़ें करा रहा हूँ आपको अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करके रखनी है। और मैं लास्ट टाइम पे भी आपके जो पूरे असाइनमेंट सेक्शन है वे सारे कंप्लीट कराऊंगा प्रत्येक बुक के, और आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी कराऊंगा मैराथन क्लासेस के थ्रू। तो आप किसी भी तरीके से कोई दिक्कत समस्या मत ना लेना भाई, ठीक है। और जो सभी एक बार जल्दी से बताओ मेरी वॉइस और डिस्प्ले क्लियर आ रही है सभी को, जल्दी से बताओ भैया, फिर स्टार्ट करते हैं बहुत बेहतरीन लेक्चर भैया आज का, ठीक है। ठीक है भाई, जल्दी से आ जाओ, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आ जाओ जल्दी से। आ जाओ भी सभी, जुड़ जाओ जल्दी जल्दी से, फिर स्टार्ट कर रहे हैं बहुत बेहतरीन टर्म्स। ठीक है भाई, आज हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले आज डिस्कस कर रहे थे हम अपने पॉइंट पे सोडी फजान डिस्प्लेसमेंट रो, सोडी फजान डिस्प्लेसमेंट रो, डिस्प्लेसमेंट रो, ठीक है भैया, इसे बोलते हैं सोडी फजान का। आज ये टॉपिक डिस्कस करेंगे हम सोडी फजान का। एक साइंटिस्ट थे सोडी और दूसरे साइंटिस्ट थे फजान, उन्होंने दोनों ने मिलकर एक रूल दिया सोडी फजान का विस्थापन नियम, सोडी फजान का विस्थापन नियम। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इसमें वही सारी चीज़ें डिस्कस करनी है, हमें वही सारी चीज़ें डिस्कस करनी है जो मैं अल्फा बीटा की प्रॉपर्टी आपको बता के आया हूँ अच्छे तरीके से। देखिए सोडी फजान का पहला नियम क्या होता है, वो कहता है कि कभी भी अल्फा और बीटा एक साथ एमिट नहीं हो सकते, ठीक है भैया। या तो पहले अल्फा होगा या फिर पहले बीटा होगा, ऐसा नहीं हो सकता जब अल्फा निकल रहा हो तब बीटा उसका एक साथ निकल रहा हो, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, ठीक है भैया। पैरेलल लॉ तो आपको पता लग गया होगा अच्छे से कि भैया
हम ऐसा कह सकते हैं फर्स्ट लॉ में कि अल्फा एंड बीटा पार्टिकल डज नॉट एमिट, डज नॉट एमिट स्पॉन्टेनियसली, स्पॉन्टेनियसली यानी कि आप अल्फा और बीटा को, अल्फा तथा बीटा का उत्सर्जन एक साथ नहीं हो सकता, का उत्सर्जन एक साथ नहीं हो सकता, उत्सर्जन एक साथ साथ नहीं हो सकता। ठीक है भाई, कैसे होगा, या तो पहले अल्फा निकलेगा या फिर उसके बाद बीटा निकलेगा। ठीक है, एक चीज और मैं आपको अच्छे तरीके से बता देना चाहता हूँ कि अल्फा और बीटा के, जरूरी नहीं है कि अल्फा और बीटा के साथ में ये कहानी बनेगी कि भाई अल्फा निकलेगा पहले या फिर बीटा निकलेगा, वो कोई सा भी निकल सकता है, पर एक चीज ऐसी होती है गामा जो अल्फा के साथ में निकलती है और बीटा के साथ भी निकलती है। तो यदि कोई आपसे पूछने लगे कि अल्फा के साथ में हमेशा क्या निकलेगी, गामा भी निकलेगी, और बीटा के साथ में भी हमेशा क्या निकलेगी, गामा निकलेगी। ठीक है, और ये गामा जो निकलती है ये एक लाइट फॉर्मेट में निकलती है, फोटोन की फॉर्मेट में निकलती है भैया, एक चमक के फॉर्मेट में निकलती है। ठीक है भैया, किस फॉर्मेट में निकलती है, फोटोन के फॉर्मेट में निकलती है। ठीक है, जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना है किसी को भी? ठीक है, जल्दी से बताओ किसी भी स्टूडेंट को, यहाँ तक तो कोई दिक्कत समस्या ना है। ठीक है, यानी कि पहला पॉइंट आप अच्छे तरीके से समझ गए होगे कि सोडी फजान डिस्प्लेसमेंट रोल में बताया गया था, रोल में बताया गया था कि अल्फा बीटा पार्टिकल एक साथ एमिट नहीं हो सकते। ठीक है भैया, एक साथ एमिट नहीं हो सकते, लेकिन ऐसा हो सकता है कि अल्फा के साथ गामा निकलेगा और बीटा के साथ भी गामा निकलेगा, ये डेफिनेटली है। ठीक है, पहला लो तो आपको अच्छे तरीके से पता चल गया होगा। दूसरा लो बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा का ऐसी है जैसे मैंने आपको इसकी प्रॉपर्टी बताई थी। किसकी प्रॉपर्टी बताई थी भैया, अल्फा पार्टिकल की प्रॉपर्टी बताई थी, अल्फा पार्टिकल के निकलने में। अल्फा पार्टिकल जब एमिट होता है, मान लो 92 यूरेनियम 238 था, और जब अल्फा पार्टिकल निकलता है तो यहाँ से नीचे से जेड में से तो हो जाती है 2 की कमी, और कहाँ से ऊपर से हो जाती है 4 की कमी। ठीक है भैया, तो आप कहोगे हमारा यहाँ पे क्या निकल जाता है, 2H4 निकल जाता है। इसका मतलब ये हो गया, इस वाले को मैंने कह दिया पेरेंट्स एटम, जैसे मैंने आपको पहले से ही बता कहा था, इसे कह दिया पेरेंट्स एटम, और इसे क्या कह दिया, डॉटर एटम। क्या कह दिया, डॉटर एटम। तो इसका मतलब है, ये वाली बात मैंने आपको पहले से भी बता दी थी कि भैया सेकंड रूल में सोडी फजान ये कहता है कि जब एक अल्फा पार्टिकल बाहर निकलता है तो भैया उसके जेड में से कितने की कमी हो जाती है, जेड में से तो 2 की कमी हो जाती है, और ये वाला जो पार्टिकल है ये चेंज हो जाता है, मतलब कोई भी तत्व है, एलिमेंट है, वे चेंज हो जाता है, और ऊपर से कितने की कमी हो जाती है, ए में से 4 की कमी हो जाती है, और क्या हो जाता है, 2 पॉइंट लैग हो जाता है, 2 प्लेस लैग हो जाता है। ठीक है भैया, 2 प्लेस पीछे हट जाता है, लैग्स हो जाता है, दो स्थान पीरियोडिक टेबल में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पीछे हट जाता है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पीछे हो जाता है, 2 स्थान पीछे हो जाता है। ठीक है, ये वाली बात आपको अच्छे तरीके से समझा देते हैं। अच्छा, क्या बताना है एक बार जल्दी से, चलो दोबारा से बता देता हूँ। मैंने बताया है भैया, अभी क्या बताया मैंने बताया कि भैया सोडी फजान डिस्प्लेसमेंट लो ये कहता है कि भैया अल्फा और बीटा पार्टिकल ना एक साथ कभी भी एमिट नहीं हो सकते, या तो पहले अल्फा पार्टिकल एमिट होगा या फिर बीटा पार्टिकल एमिट होगा, कभी भी दोनों एक साथ नहीं हो सकते। लेकिन गामा पार्टिकल के साथ क्या प्रॉपर्टी है कि भैया गामा जो है अल्फा के साथ भी एमिट होगा और बीटा के साथ भी गामा एमिट होगा चमक के रूप में। ठीक है भैया, ये पहला रूल बताया था किसने, सोडी फजान ने डिस्प्लेसमेंट लो में अपने। लेकिन जो सेकंड लो बताया था उन्होंने, सेकंड फॉर्मेट बताया था उसने, अल्फा पार्टिकल की फॉर्मेट का बताया था। ठीक है, क्या बताया था कि भैया अगर हमारे पास कोई भी पेरेंट्स एटम है उसमें से एक अल्फा पार्टिकल बाहर निकल रहा है तो इसके उसमें से जेड में से तो एटॉमिक नंबर में से तो 2 की कमी हो जाएगी और इसके एटॉमिक मास में से कितने की कमी हो जाएगी, 4 की।
तो कहने का मतलब है, मैंने यहाँ पे बता दिया जेड में से 2 कमी और ए में से 4 कमी, और ये वाला जो मतलब एलिमेंट लेकर चले थे यूरेनियम, अब क्या बन गया, थ्योरम बन गया। ठीक इसी प्रकार से नया एट वो हो जाएगा चेंज, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है कि क्या है, अल्फा पार्टिकल में 2 प्लेस यो पीरियोडिक टेबल में पीछे हो जाएगा, ठीक है। दूसरा रूल ये बताया था, एक बार नोट कर लो और सभी थंब कर देना भैया, ठीक है। और इसके बाद क्या बताया था अपने तीसरे रूल में, वो बताया था कौन सी प्रॉपर्टी बताई थी, बीटा की प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी बताई थी भैया, बीटा की प्रॉपर्टी, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी बताई थी बीटा की, ठीक है। क्या बताई थी बीटा की प्रॉपर्टी थर्ड रूल में, थर्ड रूल में क्या प्रॉपर्टी बताई थी भैया, क्या प्रॉपर्टी बताई थी, थोड़ा ध्यान देंगे भाई। ठीक है भाई, देखो भाई, अगर मैं आपसे कह लगूँ तीसरे वाले में वही बीटा बीटा पार्टिकल का एमिशन केस बताया हुआ था, कैसे बताया हुआ था, मान लो सपोज करो आपने ये 92 यूरेनियम 238 लेके चले और एक इसमें से बीटा पार्टिकल आप बाहर निकाल ले हो, तो इसमें क्या होता है जेड में तो एक की वो हो जाती है, इंक्रीमेंट हो जाता है और ये पार्टिकल चेंज हो जाता है। मान लो सपोज करो इस पार्टिकल को एक्स ले लेता हूँ और ये क्या हो जाता है 238 ही रहता है, तो इसका मतलब है ये कहता है जेड में तो एक बढ़ जाता है, ठीक है भैया, और इसमें यहाँ पार्टिकल चेंज हो जाता है और यहाँ पे क्या होता है नो चेंज, ठीक है भैया, ए ही रहता है। और ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एक एक प्लेस आगे हो जाता है, फॉरवर्ड हो जाता है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या हो जाता है भैया, एक प्लेस आगे हो जाता है, मतलब टुवार्ड हो जाता है, ठीक है, आगे हो जाता है। कोई दिक्कत समस्या है तक, तो ये किसने बताया था भैया, ये सोडी फजान ने बताया था कल, वैसे मैंने ये आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से बता के आया था, ठीक है। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको बता के आया था, जल्दी से बताओ यहाँ तक तो कोई दिक्कत समस्या ना आए किसी को भी, ठीक है, जल्दी से बताओ कोई यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या ना आए किसी को भी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको कुछ टर्म्स बताने जा रहा हूँ, बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना। हाफ लाइफ पीरियड, अर्ध आयु काल, ठीक है, हाफ, ये तो सोडी फजान डिस्प्लेसमेंट रूल खत्म हो गया भैया हमारा। हाफ टॉपिक है हमारा, हाफ पीरियड लाइफ, हाफ पीरियड लाइफ इसे बोलते हैं भैया, अर्ध अर्ध आयु काल, अर्ध आयु काल, थोड़ा ध्यान से समझेंगे अच्छे तरीके से। हाफ पीरियड लाइफ किसे बोलते हैं भैया, अगर मैं आपसे कह लगा भैया, इससे थोड़ा सा एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, अगर मैं आपसे कह लगा मान लो कोई चीज़ सबसे शुरुआत में 100 ग्राम की थी, ठीक है, ये सबसे शुरुआत में कितने की थी, 100 ग्राम की, ये अपनी आधी होने तक, मान लो चलो ये मैं कह रहा हूँ इसे, मान लो सपोज डेट ऐसा होता है कि 80 ग्राम होने पर, मान लो घटते पहले 100 ग्राम थी, अब यो 80 ग्राम होगी, मान लो 2 दिन में, 2 दिन में, ठीक है भैया, 2 दिन में, अब 80 ग्राम से ये होगी अब 50 ग्राम, कितनी होगी 50 ग्राम, मान लो ये होगी 3 दिन में, तो एक बात बताओ कितने दिन में यो 100 ग्राम से अपनी आधी होगी, जल्दी से बताओ। आप कहोगे 100 ग्राम से अपनी आधी होने में, यानी कि 50 ग्राम होने में इसने कितने दिन लगे इसे, आप कहोगे 5 दिन लगे, कितने लगे 5 दिन लगे, तो पता ये 5 दिन जो हैं हमारे, ये जो इसके 5 दिन हैं क्या है, ये इसके जो 5 दिन हैं, ये जो इसके 5 दिन आए हैं, ये 5 डे, ये इसके क्या है, हाफ पीरियड लाइफ है, हाफ पीरियड लाइफ है, यानी कि इसे ही बोलते हैं हम अर्ध आयु काल। क्या बोलते हैं भैया इसे, अर्ध आयु काल। अच्छा एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, यहाँ से आपको दो टर्म्स याद रख कर चलनी है, ठीक है, जब सब
जब ये सबसे शुरुआत में, जब ये सबसे शुरुआत में भैया प्रोग्राम था, तो इसे हम कहते हैं एंड नोट, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? एंड नोट। और जब ये अपना लास्ट चला गया है तो इसे हम क्या कहते हैं? मान लो एन कहते हैं कि अब ये कितना रह गया। तो जब सबसे शुरुआत में ये कैसा है? इनिशियल का केस है, ये इनिशियल का केस है, प्रारंभिक केस है। और ये कैसा है इसका? ये इसका फाइनल केस है। तो मैंने इसे एन कह दिया, ठीक है। मैं जहाँ कहीं भी ये इसके 5 दिन रह करेगा, हाफ पीरियड लाइफ को रिप्रेजेंट कर करूँगा, या तो टी ऐसे वाले हाफ से या फिर टी ऐसे वाले हाफ से, ठीक है, इस प्रकार से। तो कोई दिक्कत समस्या ना किसी को भी, ठीक है, जल्दी से बताओ। यहाँ तक तो कोई दिक्कत समस्या ना, एक बार सभी थम करके बताओ, कोई दिक्कत समस्या ना भैया, ठीक है। और आपको पूरा टर्म्स बताता हूँ मैं। तो इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, एक बार ध्यान से समझियो, ठीक है भैया। इसे हम एक डेफिनेशन के तौर पे भी लिख सकते हैं। ये तो आपको टर्म समझ में आ गई होगी, जल्दी से बताओ, ये तो आपको टर्म समझ में आ गई होगी अच्छे तरीके से। अगर मैं इसे लिखना चला जाऊं, ठीक है, अगर मैं इसे लिखना चला जाऊं एक एक साइड में, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? पहले हिंदी वाले देख लेंगे भैया, एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेंगे हिंदी वाले। किसी किसी रेडियो एक्टिव, किसी रेडियो एक्टिव, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का अर्ध आयु काल, वह काल है, वह समय है, ऐसे कह दो, वह समय है जिसमें वह अपने प्रारंभिक प्रारंभिक मात्रा से आधी मात्रा में विघटित विघटित हो जाती है, विघटित हो जाती है, ठीक है भैया। ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। एक बार इंग्लिश वाले भी इसकी डेफिनेशन को नोट कर ले होंगे भैया। एक छोटी सी डेफिनेशन है इसकी, ये सभी, कि हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज डिफाइन एज द टाइम इन विच हाफ द नंबर ऑफ एटम्स और न्यूक्लियाई प्रेजेंट इनिशियली इन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डीके, ठीक है। आई होप आपको डेफिनेशन ये अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है भैया। जल्दी से एक बार नोट कर लो, एक बार सभी नोट कर लेंगे भैया। ठीक है, आपने सभी ने ये नोट कर लिया। और कुछ इसके फॉर्मूले पर डिस्कस करते हैं फिर हम, क्योंकि इसके फॉर्मूले पे हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, तो अच्छे तरीके से देखेंगे, ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अगर मैं आपसे कह लगूं इसके फॉर्मूले के बारे में, अगर डिस्कस करने लगूं, तो देखो हाफ पीरियड लाइफ के 2-3 फॉर्मूले हम न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। एक तो हम कैसे यूज करते हैं, पहले उस तरीका समझ लो। मान लो एक फॉर्मूला होता है एन इजिकल टू एन नोट वन सॉरी भाई, वाई वन बाई टू की पावर एन, ठीक है भाई। एक ये फॉर्मूला होता है हमारा,
एक ये फॉर्मूला होता है हमारा इसमें यूज करने के लिए, एक फॉर्मूला होता है भैया हमारा कि टोटल टाइम अगर निकालना हो कितने टाइम, और इसका एन पता चल जाए किसी तरीके से, और टी हाफ दे रखा हो, तो हमारा एक फॉर्मूला यहाँ से बन जाता है। लेकिन एक फॉर्मूला और होता है हमारा, कौन सा फॉर्मूला होता है थोड़ा ध्यान देना। अगर मैं आपसे कह लगूँ टी हाफ का एक फॉर्मूला होता है, टी हाफ का एक फॉर्मूला, या टी कैपिटल टी ऐसे भी आ सकता है, 0.693 बाई लैम्डा। तो आपसे अगर कोई पूछा लगा कि ये क्या है, इन सब के बारे में, टर्म्स के बारे में एक बार लिख लेते हैं, ये रिलेशन है भैया। तो ये क्या है, डिस लैम्डा क्या है यहाँ पर, डिस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट, डिस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट, यानी कि इससे बोलते हैं विघटन स्थिरांक, विघटन स्थिरांक, ठीक है भैया, विघटन स्थिरांक, ठीक है। एक बार सभी नोट कर लो, फिर इनकी बेसिक टर्म्स के बारे में बातचीत करते हैं भैया हम, ठीक है। ठीक है भाई, इनकी बेसिक टर्म्स के बारे में बात करते हैं। एन तो आपको पता लग गया होगा, कोई भी हमारे मतलब फाइनल वैल्यू, फाइनल वैल्यू क्या करेगा वो हमारी, और ये क्या कहता करेगा, एन नोट क्या कहता करेगा, इनिशियल वैल्यू, सबसे शुरुआत की इनिशियल वैल्यू। और ये एन जो है ये टाइम रह करेगा छोटा, टाइम इन ईयर, ठीक है। और ये टी हाफ क्या रह करेगा भाई हमारा, टी हाफ या कैपिटल टी हाफ, ये रह करेगा हमारा हाफ, हाफ टाइम, हाफ लाइफ पीरियड, ठीक है भैया। और ये कि जो कैपिटल टी है ये टोटल टाइम को शो कर करेगा, टोटल टाइम को शो कर करेगा उसके कितने दिन में वो अपना मतलब कुछ इस तरीके से केस रह करेगा, ठीक है। एक बार ये सभी फॉर्मूले नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं, ठीक है भैया, फिर आगे चलते हैं। अच्छा, अगर कोई आपसे पूछ लगा ये वैल्यू एक एक टर्म्स की भी और होती है, तो अगर मैं आपसे कह लगूँ कि ये टर्म्स इस प्रकार से भी हो सकती है, धरना ऐसे, तो लॉग ई बेस टू की वैल्यू होती है ई बेस टू बाई लैम्बडा, ठीक है। तो इस पूरे फॉर्मूले को एक साथ लिख लो भाई, ऐसा भी आ सकता है, ये कोई सा भी आ सकता है, कोई सी भी टर्म्स बन गया, ठीक है भैया। एक बार जल्दी से फॉर्मूला लिख लो, फिर इस पर बेस न्यूमेरिकल कराता हूँ एक एक दो में, फिर आगे चलेंगे भैया, ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल कराता हूँ, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं भैया, फिर आगे चलेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। कुछ न्यूमेरिकलों पर डिस्कस कर लेते हैं, यानी कि क्योंकि काफ़ी अच्छे न्यूमेरिकल यहाँ से बनते हैं और एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं, आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में भी यहाँ से क्वेश्चन उठ जाता है भैया, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं भैया एक बार, क्वेश्चन कैसा आता है यहाँ से। चलो क्वेश्चन देखते हैं एक बार, एक क्वेश्चन है बहुत शानदार सा, और देखते हैं कैसा आप सभी करके दिखाते हो। उसने क्वेश्चन क्या रखी है, क्वेश्चन है भैया 10, शुरुआत में 10 मिलीग्राम कह दिया उसने, 10 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम ऑफ ए, ऑफ ए रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव
सब्सटेंस, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ऑफ हाफ लाइफ, हाफ लाइफ ठीक है, हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड टू इयर्स, टू इयर्स, टू इयर्स इन कीप्ड, कीप्ड इज स्टोर, इज स्टोर फॉर फोर इयर्स, फोर इयर्स, फोर इयर्स ठीक है भैया। हाउ मैनी, सॉल्व करके देखो भैया इसका आंसर क्या बनने वाला है। हाउ मैनी ऑफ द सब्सटेंस, ऑफ द सब्सटेंस, सब्सटेंस रिमेन, रिमेन अनचेंज, रिमेन अनचेंज ठीक है भैया। इसे बताना क्वेश्चन में, जल्दी से एक बार क्वेश्चन को पढ़ो और क्वेश्चन का आंसर बताने की कोशिश करो भैया, क्या बना इसका आंसर जल्दी से। ठीक है, कुछ के आंसर आने स्टार्ट हो गए भैया, और ये जो है इसे हिंदी में कन्वर्टर ले लेते हैं भैया। एक एक रेडियो एक्टिव पदार्थ, रेडियो एक्टिव पदार्थ, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु, की अर्ध आयु 2 वर्ष है, 2 वर्ष है ठीक है भैया, 2 वर्ष है। इसके 10 मिलीग्राम को, 10 मिलीग्राम को एक एक स्टोर में, एक स्टोर में 4 वर्षों, 4 वर्षों तक रखा जाता है, 4 वर्षों तक रखा जाता है ठीक है। पदार्थ की कितनी मात्रा, की कितनी मात्रा अपरिवर्तित रहेगी, अपरिवर्तित रहेगी ठीक है भैया। सभी आंसर बताना स्टार्ट कर दो, फिर इसे सॉल्व करके देखते हैं क्या क्या दे रखा है जल्दी से। कुछ बच्चों के आंसर आ गए, काफी अच्छे आंसर आया, देखते हैं एक बार इसे सॉल्व करके क्या बनता है, क्या क्या दे रखा है। अगर मैं आपसे कहूं, मैंने आपसे क्या क्या बता रखा था पहले वो टर्म्स देख लो। अगर मैं आपसे कह लगूं हाफ लाइफ दे रखी है इसकी, तो टी हाफ की वैल्यू कितनी दे रखी है, आप कहोगे 2 ईयर ठीक है भैया। और 10 mg को, यानी कि एन की वैल्यू को, एन नोट की वैल्यू को कितना दे रखा, 10 mg ठीक है। और ये कितने टाइम तक रखा गया है, 4 वर्षों तक रखा गया है, तो टी बराबर कितने वर्षों तक हो गया, 4 वर्षों तक। तो कितनी मात्रा अपरिवर्तित रही, इसका मतलब है कितनी मात्रा बची रही ठीक है, कितनी मात्रा ऐसी बची रही, तो एन की वैल्यू पूछ रहा है ठीक है। तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, एन इजिकल टू एन नोट 1/2 की पावर यहाँ से एन। अब एक बात बताओ भैया, एन की तो वैल्यू ऐसा कैसी, एन इजिकल टू एन नोट की वैल्यू कितनी है, 10 और 1/2। अब हमारे पास n की वैल्यू नहीं है, तो n की वैल्यू निकालने का समाधान मैंने आपको बताया था कि t की वैल्यू दे रखी होगी टोटल, और हाफ की वैल्यू दे रखी होगी मल्टीप्लाई n, यहाँ से n निकल के आ जाएगा। t की वैल्यू आपको 4 दे रखी होगी, टोटल टाइम पूछ कितने टाइम तक स्टोर करके रखा, हाफ वैल्यू दे रखी होगी 2, और n की वैल्यू यहाँ से आपकी कितने निकल के आ जाएगी, 2 निकल के आ जाएगी। अब आपसे कह लगा n इजिकल टू 10 मल्टीप्लाई 1/2 की पावर, ये कितना हो गया होगा यहाँ पे, 2 हो गया होगा, तो ये n इजिकल टू 10/4 हो गया होगा, और 10/4 होने का मतलब है 2.5 मिलीग्राम अभी तक बचा हुआ रह गया होगा। अच्छा मैं आपसे कह लगूँ, यहाँ से क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है, आपको अच्छे से पढ़ना है कितनी मात्रा उसकी नष्ट हो गई है, यानी कि कितनी मात्रा एमिट होकर निकल गई है, तो आपको वहाँ पर भी ध्यान रखना है।
अब क्या कह रहा है वो, अनचेंज पूछ रहा है आपसे, अब अपरिवर्तित यानी कि अब कितनी बची हुई है 2.5, तो आपको क्वेश्चन में याद रखना है कि कितनी खत्म भी होगी वो भी ये भी पूछ सकता है। तो कितनी खत्म होगी वो, कितनी खत्म होगी 7.5। ठीक है भैया, आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं बहुत शानदार सा, ठीक है भैया। एक क्वेश्चन और करते हैं बहुत शानदार सा, ठीक है, और फिर देखते हैं क्या टर्म्स बनती है। ठीक है भैया, फिर देखते हैं क्या टर्म्स बनती है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगर मैं आपसे कह लगा, कि भैया द हाफ लाइफ, हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस इज 2.5, इज 2.5 डेज, 2.5 डेज। ठीक है, व्हाट व्हाट परसेंटेज ऑफ द ओरिजिनल, ऑफ द ओरिजिनल सब्सटेंस, ओरिजिनल सब्सटेंस विल हैव डिस इंटीग्रेटेड डिसइंटीग्रेटेड इन 7.5 डेज। ठीक है, परसेंटेज में आंसर बताना भैया आपको, और आंसर बना के दिखाओ, जल्दी बताओ क्या आंसर आया। इसका हिंदी कन्वर्ट देख लेते हैं एक बार, यानी कि किसी किसी रेडियो एक्टिव, किसी रेडियो एक्टिव, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ, किसी रेडियो एक्टिव नाभिक, नाभिक की अर्ध आयु 2.5 डेज है, 2.5 दिन है। ठीक है भैया, इतने हैं, 7.5 दिन में, 7.5 दिन में मूल पदार्थ का कितने प्रतिशत का, कितने कितने प्रतिशत, कितने प्रतिशत अपरिवर्तित, अपरिवर्तित रह जाएगा। ठीक है भाई, आंसर कमेंट करो भैया जल्दी से। एक बच्चे का आंसर आया है, फिर देखते हैं क्या बनता है। जल्दी से बताओ भैया आंसर क्या बना, क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है वो, कितने परसेंट हिस्सा उसका बच चुका है। ठीक है, पहले ये पता कर लो भैया कितने परसेंट उसका खत्म हो गया है। अगर कितने परसेंट हिस्सा उसका खत्म हो गया है तो बाकी चीज हमें पता लग जाएगी भैया। ठीक है भाई, एक बार देखते हैं सॉल्व करके क्वेश्चन में क्या क्या कह रखा है। अगर मैं आपसे कह लगूं कौन कौन सी टर्म्स की वैल्यू दे रखी है, आप कहोगे टी हाफ की वैल्यू दे रखी है भैया 2.5 डेज। ठीक है, इतने दिन में वो अपने पूछ रहा है, यानी कि टी की वैल्यू अब क्या 7.5 दे रखी है। ठीक है, इतने दिन दे रखे हैं। ठीक है भैया, और वो कह रहा कितने परसेंट बच जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला, अच्छा जल्दी से बताओ इसमें हमें कौन सी टर्म्स कैसे यूज करनी है। बिल्कुल सही बताया, बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो भाई कैसे, चलो पहले एक नॉर्मल टर्म्स देख लेते हैं। अगर आपसे मैं कहूँ जैसे आप एन की वैल्यू निकाल लो, आप कहोगे एन की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होगा टी इजकल टू एन मल्टीप्लाई टी हाफ
इस तरीके से आप कहोगे टी की वैल्यू 7.5 दे रखी है और एन की वैल्यू 2.5 दे रखी है और मल्टीप्लाई टी हाफ दे रखा, तो आप देखोगे यहाँ से टी हाफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाए, सॉरी सॉरी सॉरी, एन और टी हाफ की वैल्यू दे रखी थी 2.5, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 3 आ जाएगी भैया। और आप जैसे ही एक फॉर्मूला यहाँ पे सेटअप करते हो, हमें एक फॉर्मूला पता है एन इजिकल टू, ना तो एन की वैल्यू पता ना एन नोट की वैल्यू पता, एन इजिकल टू एन नोट 1/2 की पावर एन होती है, ठीक है भाई। अब ये फॉर्मूला भी कैसा बना, एक एक उसके द्वारा मैं आपको समझाऊंगा अभी, ठीक है, एक ग्राफ के द्वारा। तो अगर इसे एन बाई एन नोट ले लूँ तो आप कहोगे यहाँ पर कितनी टर्म्स बन जाएगी, 1/2 की पावर एन बन जाएगी, एन का मतलब 3 हो गया और आप कहोगे 1/8 हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, आप अच्छे तरीके से समझो इस बात को, आप इस बात को अच्छे तरीके से समझो। वो ये कहना चाह रहा है नीचे होती है इनिशियल वैल्यू और ऊपर क्या होती है फाइनल वैल्यू, कितनी होती है फाइनल वैल्यू, ठीक है भैया। अगर आप क्या काम करोगे भाई, एक बात बताओ, नीचे तो होती है इनिशियल वैल्यू होती है, ऊपर होती है फाइनल वैल्यू, यदि मैं निचले वाले में से ऊपरले वाले सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मतलब आप कहोगे 7 हिस्सा इसका बच जाएगा, ठीक है भैया। अगर मैं इसका यहाँ से ही परसेंटेज निकालना चाहूँ, मल्टीप्लाई शो कर दूं तो क्या आ जाएगा, आप कहोगे इसका परसेंटेज आप निकाल लोगे तो 12.5 के आसपास आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12.5 के आसपास आ जाएगा। तो भैया इतने परसेंट हिस्सा उसका कैसा हो गया, ख़त्म हो गया है, तो लेकिन अब बचा कितना, या तो आप यहाँ से ही आप आइडिया लगा के बता सकते हो, आंसर बता सकते हो कितना बच जाएगा आंसर 87.5। भाई 100 में से आप 12.5 को हटा दोगे तो कितना बच के आ जाएगा, आप या तो यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हो, आप ऑप्शन की एक बार तरीका देख लेना आपसे कहाँ पे छुड़वा रहा हो, या तो आप 87.5 कर सकते हो या आप यहाँ से भी ये टर्म्स भी बना सकते हो एन इजिकल टू एन नोट बाई 8, इस प्रकार से भी बना सकते हो, ये वाला भी टर्म्स आपसे यहाँ से भी आंसर पूछ सकता है, ठीक है। अगर आपको फिर भी यहाँ से ऐसा नहीं आ पाता है आंसर, तो एन बराबर एन बाई एन नोट आपका कितना आ गया भैया, यहाँ से 1/8 आ गया, यानी कि इतना हिस्सा ख़त्म हो चुका है। तो भैया कितना बच गया, एक में से सब्ट्रैक्ट कर दो तो आप कहोगे यहाँ से कितना परसेंट हिस्सा बच गया, आप कहोगे 7/8% हिस्सा इसका बच गया, और 7/8% का परसेंटेज आप सोल्व करोगे तो 700/8 आओगा, ठीक है। और यहाँ से 8 8 64 आप यूज करो तो 87.5% के आसपास में आपका हिस्सा कैसा हो गया, चेंज नो चेंज रहा होगा भैया। जल्दी से बताओ सर, पहले वाला क्वेश्चन में भी अनचेंज निकाला था तो उसमें तो सब्ट्रैक्ट नहीं किया था और इसमें माइनस किया है, ठीक है, ध्यान से समझियो मेरी बात को, देखो एक बार ध्यान से देखो भैया, जो ये वाला हिस्सा हमारा निकाला है एक बार ध्यान से समझो, वो पहले इस वाले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा था, इस वाले क्वेश्चन में आपसे कह रहा था कि पदार्थ की कितनी मात्रा अपरिवर्तित रहेगी, ठीक है भैया, अनचेंज रहेगी। तो इसका मतलब है पहला हमारा देखो, ये वाला जो है, ये जो टर्म्स आई है 2.5 हमारी, तो ये क्या बची है, मतलब ये ख़त्म होने के बाद बची है, क्योंकि इसमें तो सारी टर्म्स आपको दे रखी है कि 10 मिलीग्राम था पहले और अब कितना बच जाएगा। तो हाफ आप नॉर्मली इसे मत ऐसा भी ना करोगे तो आप एक आइडिया लगा कर देख लो बहुत अच्छे तरीके से, अगर देखो ऐसा भी निकाल सकते हो इस क्वेश्चन को, देखो आपका 10 ग्राम है और इसका हाफ होने में, हाफ पीरियड होने में कितना 2 वर्ष का टाइम लगा है, तो 10 मिलीग्राम का आधा होने में कितना, वो 5 ग्राम होने में कितना टाइम लगा, 2 साल, तो सीधी सी बात है ढाई साल हो बचने में, यानी कि वो 2.5 मिलीग्राम बचने में कितने साल लग जाओगे, 4, तो देखना एक बार, यही तो कह रखा 4 वर्षों में कितना बच जाएगा, तो ढाई आप यहाँ से भी आंसर बता सकते हो, ठीक है। और दूसरा अगर ये वाला क्वेश्चन मैंने इस प्रकार से बताया है, वो कह रहा है कि अब की बार ना हाफ पीरियड लाइफ तो आपकी दे रखी है, तो वो कह रहा है देखो यहाँ पे इस वर्ड को पकड़ो, वो कह रहा है 7.5 दिन में मूल पदार्थ का कितने परसेंट मूल पदार्थ का मतलब है एन नोट का कितने परसेंट बचा रह जाओगा। तो एन नोट का पहला वो हिस्सा तो निकाल दो जो खत्म हो गया है, ठीक है,
यानी कि वो क्वेश्चन एक अलग तरीके का क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अलग है। वो इस क्वेश्चन में आपसे मूल पदार्थ का कह रहा है, मूल पदार्थ का, ठीक है, कितने परसेंट हिस्सा अपरिवर्तित रह गया। लेकिन उस वाले में बस आपसे क्या कह रखा था कि अनचेंज, वो आपसे मूल नहीं कह रहा था। ठीक है, समझ में आ गया? जल्दी से थंब कर दो भैया, जल्दी से भैया एक बार थंब कर दो और जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना है किसी को भी? ठीक है, वो क्वेश्चन अलग था, ये क्वेश्चन अलग है। ठीक है, आप इस प्रकार से क्वेश्चनों को ये कर लोगे। ठीक है भैया, आप इस प्रकार से कुछ क्वेश्चनों को कर लोगे अच्छे से। ठीक है, अब मैं आपको कुछ टर्म्स के बारे में बताता हूँ, थोड़ा ध्यान देना भैया, आपको कुछ टर्म्स के बारे में बताता हूँ, थोड़ा ध्यान देना। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं अब अगली हेडिंग लेता हूँ अपनी, अगली हेडिंग है भैया हमारी, एक बड़ी सी हेडिंग लिखो, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिस इंटीग्रेशन। ठीक है भाई, इसे बोलते हैं भैया, इसे बोलते हैं रेडियो एक्टिव विघटन का नियम। क्या बोलते हैं इसे? रेडियो एक्टिव विघटन का नियम। और थोड़ा ध्यान से समझना, ये डेरिवेशन तो आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन इसका फॉर्मूला पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो इसके नॉर्मल टर्म्स है और इसके ग्राफ से भी हम बहुत सारी चीज़ें एक बार देख लेंगे, और फिर एक नोट पॉइंट यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ सबसे शुरुआत में कोई भी ए था, और वो घटता घटता क्या बना है? बी बना है। ठीक है भैया, क्या बना है? बी बना है। तो इसका मतलब है उसके घटने की जो रेट रहेगी, जो उसके घटने की रेट रहेगी, वो किस पे डिपेंड करेगी? एन पे डिपेंड करेगी। तो आपको ऐसे बता देता हूँ, देन द आपको एक लाइन लिखवा देता हूँ यहाँ पे। पहले एक काम करो, ए से बी, मान लो पहला कोई ए से बी जा रहा था, इस प्रकार से हमने कहा द नंबर ऑफ एटम ऑफ कैपिटल ए डिक्रीजिस विद टाइम, यानी कि ए एटम समय के साथ कुछ घटता जा रहा है। ठीक है भैया, समय के साथ क्या हो रहा? घटता जा रहा है। While डैट, भाई अगर ये घटता जाओगा तो इसकी सारी टर्म्स किस में जा रही है? इसमें जा रही है। अगर हम ऐसा सोच कर चलें कि ये घट रहा तो ये बढ़ रहा होगा जरूर से जरूर। अच्छा एक बात बताओ मुझे, अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कोई भी, अच्छा रिपीट सेकंड क्वेश्चन, ठीक है भाई देख लो एक बार। देखो भाई ध्यान से समझना मेरी बात को, मैं क्या बताने जा रहा हूँ। ठीक है, देखो भाई सेकंड क्वेश्चन में उसने कहा है हमारे से, द हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर 2.5, हाफ लाइफ दे रखी टी हाफ 2.5। वो कह रखा वाट परसेंटेज ऑफ द ओरिजिनल सब्सटेंस विल हैव डिसइंटीग्रेटेड इन 7.5 डे, यानी कि 7.5 डे में अपने जो अब है वो कितना रह जाएगा, वो ये पूछ रहा है। तो फॉर्मूला हो गया एन इजिकल टू एन नॉट 1/2 की पावर n। तो एक बात बताओ, एन बाई एन नोट को इसके डिवाइड में लेकर चला गया, यहाँ से 1/2 आ गया और एन की वैल्यू यहाँ से निकाल ली मन ने। टी इजकल टू एन मल्टीप्लाई टी हाफ, और ये टी टोटल दे रखा था, एन की वैल्यू यहाँ से 3 निकाल ली यहाँ पे। तो आपने देखा कि एन बाई एन नोट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? 1/8 आ गई। 1/8 आ गई, इसका परसेंटेज निकाल लिया 12.5 आ गया। इसका मतलब है नीचे हमेशा इनिशियल वैल्यू होती है, ऊपर हमेशा फाइनल वैल्यू होती है। ठीक है भाई, ऐसा मान के चलो ध्यान से समझना, अब बिल्कुल क्लियर एकदम। सबसे शुरुआत में
आठ था, सबसे शुरुआत में आठ था, अब वो एक जो है, अब एक रह गया, अब वो एक रह गया, तो कितने परसेंट हिस्सा खत्म हो गया उसका? तो आप ये ना कहोगे 7.8% हिस्सा खत्म हो गया है भाई, कितने परसेंट हिस्सा इसका खत्म हो गया? तो आप कहोगे 7.8% हिस्सा खत्म हो गया भाई, पहला वो आठ था, एन नोट कितना था, आठ था, अब वो एन कितना रह गया, वो एक रह गया, तो कितने, पहले हम ये देख लेंगे कि कितने परसेंट हिस्सा उसका जो है, मतलब कितने परसेंट हिस्सा उसका कैसा हुआ, मतलब एक तरीके से खत्म हुआ। तो आप कहोगे उसका आठ में से, ये आठ में से मान लो अगर मैं एक सब्ट्रैक्ट कर दूं तो कितना हिस्सा उसका खत्म हुआ होगा, 7/8% हिस्सा उसका खत्म हुआ होगा। तो इसका परसेंटेज निकाल लो, या तो आप एक काम करो यहाँ से क्वेश्चन बना लो आप, एक देखो यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है कि अब ये तो हो गया हमारा कितना, ये हमारे टर्म्स, चलो एक काम करो आप कंफ्यूज मत ना हो, आप कंफ्यूज मत ना हो, ठीक है भाई, एक बार ध्यान से देखो। अब मैं यदि यहां से n इजिकल टू एन नोट इसकी वैल्यू यहाँ पे रखूँ 1/2 की पावर, ये एन की वैल्यू यहाँ पे 3 रखूँ, तो आप कहोगे एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ये होगी एन नोट, और ये कितनी होगी 1/8, ठीक है। अब इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या हो गया, एन इजिकल टू एन नोट, ठीक है, एन नोट 1/8 का मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लाई 100 कर दो आप, ठीक है, आप इसे डिवाइड करोगे 12 8 96 तो 12.5% एन नोट आ गया होगा, इतने परसेंट इसका हिस्सा इस प्रकार से आया होगा। अच्छा अगर मैं आपसे ये कह दूं कि ये इतने परसेंट हिस्सा इसका क्या हो गया होगा, मतलब खत्म हो गया, ठीक है, कितना खत्म हो गया, 12.5, तो बचा कितना, आप कहोगे 87.5 ही तो बचेगा, इतने परसेंट हिस्सा इसका खत्म हो गया है, तो अब कितना बचेगा, 87.5 ही तो बचेगा। कैसे देख सकते हैं इस चीज को, देखो अगर मैंने आपसे एक चीज कही, थोड़ा ध्यान से समझना, अगर कोई टर्म्स ऐसा लिखी हुई है, मान लो 2/8 लिखी हुई है, 2/10 लिखी हुई है, तो इसका मतलब है ये वाली जो नीचे टर्म्स होती है ना, हमेशा कैसी होती है, इनिशियल टर्म्स होती है, और ये हमेशा कैसी होती है, फाइनल टर्म्स होती है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये अब बचा हुआ है, एंड ये दो तो बचा हुआ है, सबसे शुरुआत में पहले कितना था, वो 10 था, अब वो कितना बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है, ठीक है। आप यहाँ से एक बात देख सकते हो, अगर यहाँ से एक टर्म्स देखना चाहो यहाँ से, तो n/n0 इजिकल टू कितना आया आपका, 1/8, यानी कि ये वाला तो हिस्सा अब का है, और ये वाला हिस्सा कब का है, मतलब पहले का, पहले का। तो वो ये कहना चाह रहा है कि पहले 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 का कितने परसेंट हिस्सा अभी भी क्या क्या है, जो रह बचा कुचा है, अपरिवर्तित है। तो आप कहोगे भाई कितना हिस्सा इसका खत्म हो गया, तो हम ये देखना चाहोगे कितना परसेंट हिस्सा इसका खत्म हुआ होगा। तो आप भाई एक बात बताओ, मैंने अगर कहा तुम्हारे से कि मैंने एक पुस्तक के 2/7 हिस्सा पढ़ लिया, तो कितना ना पढ़ा, एक में से सब्ट्रैक्ट कर दो वो ना पढ़ा, तो मैं इस वाली टर्म्स को 1/8 को किस में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, एक एक में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो आप कहोगे कितनी टर्म्स बचेगी, 7/8 टर्म्स बचेगी। अब 7/8 टर्म्स का क्या निकाल लो, परसेंटेज ना निकाल लोगे, तो 7/8 टर्म्स का परसेंटेज कितना होगा, 87.5 आओगा, तो 87.5% इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में, जल्दी से बताओ कितना आएगा, आगे बात समझ में भैया, भाई यानी कि अभी हमारे पास n/n0 के टर्म्स 1/8 आई है, कितनी आई है, 1/8, तो अभी इतनी रह गई, मतलब ये वो टर्म्स है जो पढ़ ली हमने, मान लो ये पुस्तक 1/8 पढ़ ली, कितनी ना पढ़ी, एक में से सब्ट्रैक्ट कर लो, अभी इतनी, यानी कि 1/8 टर्म्स तो खत्म होगी, एक तरीके से ऐसा मान के चलो 1/8 टर्म्स खत्म होगी, तो कितनी टर्म्स बची हुई है, तो एक में से सब्ट्रैक्ट कर दो, 7/8 टर्म्स बची हुई है, और मल्टीप्लाई 100 कर दो, 87.5 आ जाएगा, ठीक है। जल्दी से बताओ भैया, फिर आगे चलते हैं, जल्दी से बताओ भैया, फिर आगे चलते हैं।
ठीक है, अब हम अपने पॉइंट पे चलते हैं। कौन सा पॉइंट था भैया हमारा? हमारा पॉइंट था, देखो भाई, ए जितना घटेगा उतना बी बढ़ेगा। भाई ये बी वाली जो है घटने, मतलब ए के घटने से जो घट रही एटम्स, ऐसे मान के चलो कि भैया सबसे शुरुआत में ए 10 था, ठीक है, और बी कितना था मान लो सबसे शुरुआत में 0 था। अब जैसे ही ये वैल्यू 9 हो रही है तो बी की वैल्यू कितनी हो रही है? 1। ये वैल्यू 8 हो रही है तो इसकी वैल्यू कितनी हो रही है? 2। इसकी वैल्यू 7 हो रही है तो इसकी वैल्यू कितनी हो रही है? 3। तो आप ऐसे कह सकते हो कि ए जितना घटेगा बी उतना बढ़ेगा, यही तो कह सकते हो आप बहुत बढ़िया तरीके से। तो मैं यही टर्म्स लिखी हुई है, द नंबर ऑफ एटम ए डिक्रीजेस विद द टाइम व्हाइल दैट ऑफ बी इंक्रीजेस, बी इंक्रीजेस विद टाइम, टाइम के साथ क्या हो रही है? बी बढ़ रही है। तो इसका मतलब है इफ इफ कैपिटल एन बी द नंबर, बी द नंबर ऑफ एटम, बी द नंबर ऑफ एटम ऑफ कैपिटल ए एट एनी इंस्टेंट, ठीक है भैया, एनी इंस्टेंट, देन रेट ऑफ दिस इंटीग्रेशन ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कैपिटल है, सब्सटेंस कैपिटल है। अब ऐसा मान के चलो, अब थोड़ा सा ध्यान देना भाई मेरी बात पे, ये वाली बात तो आपको क्लियर समझ में आ गई होगी, ये वाली बात तो ए के घटने से बी बढ़ रहा है, ये तो आपको समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे तरीके से। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि भैया एक बात बताओ, ए तो हमारा नंबर घटता जा रहा है तो बी कैसा होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है टाइम के साथ। और कैपिटल एन जो है ये किसकी टर्म्स है? ए एटम की है। अगर मैं ए वाले की टर्म्स को क्या कहूँ? एन है, ठीक है भैया। ये टाइम के साथ क्या होती जा रही है? डी वाई डी टी टाइम के साथ कैसी होती जा रही है? जल्दी से बताओ भैया कमेंट करके, टाइम के साथ कैसी होती जा रही है? आप कहोगे ये रेट टाइम के साथ घटती जा रही है, ठीक है, और ये अगर घट रही है तो इसका इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? बी वाले एटम पर पड़ रहा है, और बी वाले को मन ने क्या कहा है? एन कहा है, ठीक है भैया। बी वाले का भी तो एन रहा होगा भाई, ये वाली टर्म्स ही तो इस पर गई हुई है। अब यदि मैं यहाँ से इसका प्रोपोर्शनल साइन हटाता हूँ, माइनस डी एन बाई डी टी, डी एन बाई डी टी, तो मैं कहता हूँ ये प्रोपोर्शनल साइन हटकर यहाँ पर लैम्डा एन आ गया है, ठीक है, और लैम्डा क्या है यहाँ पर? डिस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट है। तो आप कहोगे डी एन बाई डी टी, यहाँ से एक टर्म्स बनी डी एन बाई डी टी इजिकल टू माइनस लैम्डा एन, ये टर्म्स बनी। जल्दी से बताओ यहाँ तक तो कोई दिक्कत समस्या ना, अगर ये टर्म्स तक, जल्दी से अगर कोई टर्म्स पूछनी हो तो बताओ, जल्दी से जल्दी बताओ यदि कोई टर्म्स पूछनी हो तो। भाई अगर ये वाली टर्म्स क्या थी? ये एन का था, मान लो शुरुआत में ये भी नंबर क्या था मेरा? एन था, और ये वाली टर्म्स जैसे जैसे ये घटती जा रही है तो ये एन ही तो बनते जा रहा है। ये वाली टर्म्स घट रही है, इसका इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? सेकंड टर्म्स पे, बी की सेकंड टर्म्स पे पड़ रहा है। तो इसका प्रोपोर्शन का साइन हटाऊंगा तो माइनस का यहाँ पे क्या आ जाएगा? लैम्डा, वेयर लैम्डा इज दिस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट, दिस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट, यानी कि इसे बोलते हैं विघटन स्थिरांक है, विघटन स्थिरांक। जल्दी से बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या? बस अब क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है इस पार्ट का। क्या करना है भैया? इंटीग्रेशन करना है वेरिएबल सेपरेशन मेथड से। क्या करना है? एन को इसके डिवाइड में भेजूंगा, टी को इसके वेरिएबल सेपरेशन। तो जल्दी से देखो हमारी टर्म्स क्या थी, ये अभी थोड़ी देर पहले हमारी टर्म्स थी डी एन बाई डी टी, डी एन बाई डी टी इजिकल टू माइनस लैम्डा एन था, ये टर्म्स थी मेरी। और मैं इसका एक ऐसा करके डी एन बाई एन इजिकल टू माइनस लैम्डा टी, और इसका इंटीग्रेशन कर दूँ, इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड बोथ साइड। जल्दी से भैया इंटीग्रेशन कर दो बोथ साइड का, और जल्दी से बताओ क्या बना मेरा इंटीग्रेशन। तो डी एन बाई एन इधरली साइड का भी इंटीग्रेशन पार्ट ले लिया इस तरीके से, और
और ये वाला पार्ट ले लिया। जब आप इसे सॉल्व करोगे, ये लॉग एन का फॉर्मूला बनना होगा, लॉग एक्स का मतलब एन के फॉर्मेट में तो एन का बनना होगा, और ये माइनस नुक्का नुई ऐसे लैम्डा टी बनना होगा। ठीक है भैया, हमने एक कॉन्स्टेंट टर्म्स मान ली यहाँ पे सी, और इसे कह दिया इक्वेशन नंबर पहली, मैंने कह दिया एट इनिशियल पे, इनिशियल टर्म्स पे टी बराबर जीरो पे, भाई कोई भी चीज़ कैसी, एन भी एन किसके जैसा रहा होगा, एन नॉट के बराबर रहा होगा। जैसी ये वाले टर्म्स रब मैं यहाँ पे रखूँगा, तो जल्दी से बताओ यहाँ पे ये टर्म्स कितनी बनेगी, लॉग ई बेस ये कि यहाँ पर कितनी बनेगी एन नोट, और इस प्रकार से ये सारे टर्म्स टी बराबर जीरो यहाँ पर रखी, तो जीरो प्लस सी इस प्रकार से, तो यहाँ से सी की वैल्यू कितनी आ गई, आप कहोगे लॉग ई बेस एन नोट आ जाओगी, लॉग ई बेस एन नोट आ जाओगी। तो एक बार जल्दी से इस वाली सी की वैल्यू फर्स्ट में, बाई इक्वेशन फर्स्ट में रखो, बाई इक्वेशन फर्स्ट में रखो, तो आप कहोगे लॉग ई बेस एन इजिकल टू माइनस लैमडा टी प्लस लॉग ई बेस एन नोट, लॉग ई बेस एन नोट, इसे इधर भेज दो भैया, लॉग ई बेस एन माइनस लॉग ई बेस एन नोट इजिकल टू माइनस लैमडा टी, तो आप कहोगे लॉग एम एन का फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे, लॉग एन बाई एन नोट, एन बाई एन नोट इजिकल टू माइनस लैमडा टी, तो ये लॉग एंटी लॉग लेगा तो इधरली साइड में क्या आ जाएगा मेरा, एक्सपोनेंशियल की टर्म्स आ जाएगी, कैसी टर्म्स आ जाओगी, ई की पावर माइनस के लैमडा टी, तो मेरा एक फॉर्मूला यहाँ से भी जनरेट हो जाता है भाई, ये वाला फॉर्मूला भी आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में, क्या पूछ लिया जाता है, ये वाला फॉर्मूला भी आपसे बहुत अच्छे तरीके से पूछ लिया जाता है। एक बार सभी थम कर दो यहाँ तक, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी, एक बार जल्दी से थम कर दो यहाँ तक, कोई दिक्कत समस्या ना किसी को भी, तो इसका मतलब है इसका ग्राफ किस प्रकार से आता है, यानी कि ये यहाँ पर ये जो हमारी टर्म्स आई हुई है एक्सपोनेंशियल की टर्म्स आई हुई है, तो इसका मतलब है यहाँ पे इसका ग्राफ भी तो आ जाएगा। एक्सपोनेंशियल का ग्राफ हमेशा कैसा, किस ऑर्डर में आ रहा है भैया, माइनस के ऑर्डर में आ रहा, घटते हुए ऑर्डर में आ रहा, तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से आ जाता है भैया, इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से आ जाता है। ठीक है, देखो ध्यान से किस प्रकार से आ जाएगा इसका ग्राफ, इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से घटता 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 इस प्रकार से जाएगा, और इधर क्या जा रहा है, ये टाइम जा रहा है, टाइम जा रहा है, और ऊपर क्या रहा है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हमारी जो टर्म्स आ रही है वो कितनी बनी, मान लो यहाँ पे ये था सबसे शुरुआत में, यहाँ पे इस जगह यो आधा था, इस जगह यो कैसा था, मतलब हमारा 1/4 था, और इसी प्रकार से मान लो यहाँ पे जाने के बाद यो कैसा हो गया, 1/8 हो गया, तो इसके टाइम बने हुए हैं सबके, इसका टाइम होकर यहाँ पे टी आ गया होगा, इसका टाइम यहाँ पे 2t आ गया होगा। ठीक है भैया, तो इस प्रकार से आपकी ये टर्म्स कितनी आई होगी, फिर यहाँ पे 3t और यहाँ पे फिर 40, तो इस प्रकार से यहाँ पे कितनी टर्म्स आ गई होगी इसकी, 5t की टर्म्स आ गई होगी। ठीक है भैया, नोट कर लो यहाँ तक का। ठीक है, फिर एक महत्वपूर्ण पॉइंट बताता हूँ यहाँ पे, काम की बात आपको, ठीक है, एक काम की बात बताता हूँ फिर, यहाँ तक बताओ, कोई दिक्कत समस्या किसी को भी, तो पता है ये वाला जो रूल होता है इसे बोलते हैं रदरफोर्ड सोडी रूल, रदरफोर्ड सोडी रूल। ठीक है, एक बार सभी नोट करने के बाद थम कर देना भैया, एक बार सभी नोट करने के बाद थम कर देना, फिर आगे चलते हैं। जल्दी से बताओ यहाँ तक, तो कोई दिक्कत समस्या ना किसी को भी,
जल्दी से बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या ना है, एक बार सभी बता दो भैया, फिर आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया, तो कुछ और टर्म्स देख लेते हैं अच्छे से। अब देखते हैं भैया, मीन लाइफ और एवरेज लाइफ क्या होती है इसकी। ठीक है भैया, एक टर्म्स है नेक्स्ट, एक टर्म्स है आपके मीन, मीन या एवरेज, एवरेज लाइफ टाइम किसे बोलते हैं। तो ये तो नॉर्मल टर्म्स है, यहाँ से एक फॉर्मूला जरूर बनता है एग्जाम में, इम्पोर्टेंट है ऐसा फॉर्मूला, और आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। हो ये कभी कभार यहाँ पर टी एवरेज ऐसा भी लिखा हुआ आ जाता है। ठीक है भैया, तो ध्यान दियो फॉर्मूला क्या होता है। तो टी बार का फॉर्मूला होता है सम ऑफ लाइफ्स, यानी कि सारी लाइफ्स को जोड़ के, ऑफ ऑल एटम अपॉन अपॉन टोटल टोटल नंबर ऑफ एटम। ये तो नॉर्मली फॉर्मूला था हमारा। ठीक है भैया, नॉर्मली फॉर्मूला था, तो यहाँ पे लिख सकते हैं द एवरेज लाइफ, यानी कि सबको ऐड ऐड करने का। ये तो नॉर्मल टर्म्स थी, ऑफ ए रेडियो एक्टिव, ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, सब्सटेंस इज डिफाइन एज अर्थमेटिक मीन ऑफ द लाइफ्स, मीन ऑफ द लाइफ्स ऑफ ऑल एटम्स, ऑफ ऑल एटम्स और न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई दैट इज ई एटम्स। ठीक है भाई, एक बार सभी नोट कर लो यहाँ तक का, यानी कि यहाँ से टी बार का फॉर्मूला हो जाता है भैया। अगर हिंदी वाले थोड़ा सा इधर ने लिख लो भैया, तो यहाँ से टी बार का फॉर्मूला हो जाता है सभी परमाणुओं, सभी परमाणुओं की कुल आयुकाल बटे परमाणुओं की कुल संख्या, परमाणुओं की कुल संख्या। ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे भी कह सकते हो किसी किसी रेडियो एक्टिव, किसी रेडियो एक्टिव, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की माध्य आयुकाल टी बार रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव परमाणुओं, रेडियो एक्टिव परमाणुओं के कुल आयुकाल, व इन परमाणुओं की कुल संख्या के अनुपात से दी जाती है। ठीक है, एक बार नोट कर लो। लेकिन ये तो आपका टर्म्स है, जनरल टर्म्स है, लेकिन इसका जो मेन क्वेश्चन आता है वे अभी बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, आपका नोट कर लिया हो तो सभी एक बार थंब कर दो भैया, अगर नोट कर लिया हो तो सभी ने एक बार थंब कर दो, फिर आगे चलते हैं।
ठीक है, फिर आगे चलते हैं भाई, सभी एक बार थम कर दो। चलो आगे देखते हैं, यहां से क्वेश्चन बनेगा भाई जरूर से जरूर। क्वेश्चन है रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन यहां से क्वेश्चन बनता है भाई जरूर से जरूर। रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन मीन लाइफ टाइम, मीन लाइफ टाइम और डीके कांस्टेंट यानी कि लैम्डा, ठीक है, डीके कांस्टेंट एंड हाफ हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम, ठीक है भैया, यानी कि माध्य माध्य आयुकाल, माध्य आयुकाल, इसे क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं भैया, टी बार से, और डीके कांस्टेंट को यानी कि क्षणीयतांक को किससे रिप्रेजेंट करते हैं भैया, डीके कांस्टेंट को आप कहोगे इसे लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड अर्ध आयुकाल, अर्ध आयुकाल, अर्ध आयुकाल इसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे आप कहोगे टी हाफ से, इस प्रकार से। तो इसमें रिलेशन पूछा जाता है एग्जाम में बहुत बढ़िया तरीके से, उसका बहुत अच्छे तरीके से आपको रिलेशन पता होना बहुत जरूरी है। अगर मैं आपसे कह लगूँ एक रिलेशन होता है टी बार इजिकल टू 1/λ, ठीक है भाई, यो किस किस के बीच में रिलेशन है, रिलेशन यहाँ आपको बताना है भैया, क्या बताना है, टी बार क्या है यहाँ पे आप कहोगे मीन लाइफ टाइम है यो, और ये क्या है आपका डेके कांस्टेंट, डेके कांस्टेंट यानी कि ये आपका छह नियतांक है, क्या भैया यो छह नियतांक, और ये क्या आपका माध्य माध्य आयुकाल, माध्य आयुकाल, ठीक है भैया, ये है। अब दूसरा रिलेशन क्या है, दूसरा रिलेशन क्या है, टी हाफ एक ये रिलेशन मिलेगा, ये वाला, ये टी की बात कर रहा हूँ मैं, चलो मैं इसे तुम्हारे समझ के लिए कह देता हूँ टी हाफ इस प्रकार से, लेकिन यहाँ कैपिटल टी भी आ जाए तो कोई दिक्कत समस्या ना, 0.693/λ। अब तो आप ये सारे टर्म्स अच्छे तरीके से समझ गए होगे, ठीक है, ये वाला। अब इन दोनों को अगर रिलेशन को देख लोगे तो आप ये ना कहोगे कि भैया टी बार इजिकल टू, एक काम करो चलो मैं एक एक टर्म्स बना देता हूँ यहाँ से, मैं अगर इसे टी हाफ ऐसे लिख लगूँ और 0.69 इसे भाई 0.693 और 1/λ की जगह क्या रख दूँ, यहाँ पर टी बार ना रख सकता, इस प्रकार से ना रख सकता, तो आप कहोगे यहाँ से टी बार की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टी बार की वैल्यू इसके डिवाइड में ना चली जाएगी ये टर्म्स, टी हाफ और डिवाइडेड 0.693, तो आप ये टर्म्स भी तो कह सकते हो भैया, आप ये टर्म्स भी तो कह सकते हो, एक सेकंड, आप ये टर्म्स भी तो कह सकते हो यहाँ से कि भैया टी बार इजिकल टू सिंप्लीफाई करके देख लियो 1.44 टी हाफ, तो ये वाली टर्म सबसे ज़्यादा पूछी जाती है एग्जाम में, ये वाली जो टर्म्स है सबसे ज़्यादा पूछी जाती है भैया एग्जाम में, ठीक है, ये वाली टर्म्स, ये किस किस में रिलेशन है, ये हाफ लाइफ हो गया हमारा, और ये क्या हो गया मीन लाइफ, ये क्या हो गया हमारा मीन लाइफ, तो हाफ लाइफ और मीन लाइफ में क्या चेंज है, कुछ इस प्रकार से चेंज है, ठीक है भाई, जल्दी से बताओ यहाँ तक तो कोई दिक्कत समस्या ना किसी को भी, जल्दी से बताओ यहाँ तक तो कोई दिक्कत समस्या ना किसी को भी, बताओ भाई, जल्दी बताओ भाई, कोई दिक्कत समस्या तो ना है, फिर आगे चलते हैं। अच्छा कल एक काम करते हैं भाई, इसी वाले का जो ये आपका रेडियो एक्टिविटी वाला चैप्टर हुआ है
इसके कल असाइनमेंट लगाते हैं और नोट पॉइंट लगाते हैं, ठीक है भैया। रेडियो एक्टिविटी वाला आज वैसे तो मैंने अपना नॉर्मल वे में ख़त्म कर दिया है, ठीक है, जो जितनी थ्योरी इसकी आनी थी वे कंप्लीट कर दी। कल क्या करेंगे, असाइनमेंट के साथ अगर बाय द वे कुछ और नई टर्म्स आई तो उन्हें और देख लेंगे असाइनमेंट के साथ साथ, ठीक है भैया। तो कल असाइनमेंट चलेगा रेडियो एक्टिविटी का, तो अच्छे से पढ़ के आइयो भैया, ठीक है। कल रेडियो एक्टिविटी का असाइनमेंट करवाऊंगा मैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट सभी को।